हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। अब सारे के सारे काम जो है मेरे दोपहर में के निमट गए हैं। मैंने इन सूट में जो फिटिंग करी थी ना कल, ये है ना, आज पहन लिए हैं। सिल लिया और पटियाला सलवार सिल लूंगी मैं अपने हिसाब से, किस तरीके से सिलती हूँ। मैं पहले से ऐसे सिलती हूँ अपनी, जो ये है ना, ये जो सलवार का कपड़ा है ये 3 मीटर कपड़ा लेकर के आएगी मैं। 3 मीटर में बहुत अच्छी पटियाला सलवार बन जाएगी। और नीचे मैं ना इसमें इलास्टिक लगाऊंगी अफगानी की तरह, बहुत ही अच्छी लगेगी डिजाइन इसका जो है। वानिका सिल लेगी, वानिका आ गई सिलने के लिए, कहने लगी मुझे मैं सिल लूंगी। हाँ जी, आप ही सिल लियो बाबूजी, हम क्या करेंगे सिल के। नहीं 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 बाबा, अभी नहीं, सिलो आप। सबसे पहले बेल्ट निकाल लेती हूँ, इधर से वाणिका निकाल लेगी, वाणिका निकाल लेगी, वाणिका वो सारी चीज निकाल लेगी, कितनी जल्दी रहती है। भी जाएगी पापा, पापा पापा की बच्ची, हट जाओ। पापा की बच्ची, पापा की बखान गाने वाली, पापा की लाडली, पापा हट जाओ, नहीं हट जाओ बेटा, नहीं पापा। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जा। देख उस पे बैठ जा, उस पे बैठ जा, उस पे इधर बैठ जा, इस कपड़े में बैठ जा, बैठ जा मेरा बेबी, मेरा बेबी समझदार है ना। हट जा, हट जा, हट जा, ये तो लड़ना बस। इतनी खुशी हो रही है ना, इतनी खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। और जब और भी खुशी हो जाएगी जब ये सलवार अच्छे से सिल जाएगी। जब तेल लल्ली उठ जाएगी सारी सिलवा देगी। नहीं लल्ली अभी है ना, एक डेढ़ घंटे के लिए सो गई और एक डेढ़ घंटे में मैं आराम से सलवार सिल। अरे वो आवेगा कर दो खन्ना, कर दो खन्ना आवेगा ना। हाँ वो तो इतना आवेगा, इतना तो मैं सिल दूंगी। अभी तो 12 बजे, एक घंटे आधे घंटे में सलवार सिल दूंगी। तो ये मैंने जोड़ लिए हैं, जोड़ सारे के सारे जोड़ जो है बनाए थे जोड़ लिए, सिलवा दो ना, एक साथ में इकट्ठा करने की जरूरत है। जैसे ये वाला जोड़ इसमें ऐसे जुड़ जाएगा यहाँ पे, और सलवार हो जाएगी फिर तैयार सी हो जाएगी। ज्यादा भेद नहीं है सलवार बनाने में, बहुत ही आसान है सलवार बनाना। जो काम आ जाता है वो आसान हो जाता है, जो आता नहीं वो हार्ड। तो आखिरकार ये सूट मैंने पहन ही लिया, बड़ी मुश्किल से पहनना है भाई। और इस सूट की जो सलवार है वो सील ली है और सील करके प्रेस करके पहन ली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पुराना सूट है, ये फिट आ गया बिल्कुल, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, बिल्कुल मीडियम है। और जो जूली दीदी ने सिला था इसका गला, इसका गला, इसके गले की वजह से मैंने इसकी सलवार सिल ली, नहीं तो मुझे है ना ये अब इतना खास तो लग नहीं रहा था। लेकिन इसका जो गला है ना, ये मेरा मन बस रहा, बहुत ही अच्छा लगता है इसका गला मुझे। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया वाला सूट सलवार तैयार हो गया मेरा। अब मैं इसे है ना डेली मैं पहन सकती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसकी सलवार सिल के। और कल मैं एक पैंट और सिल दूँगी, उस पैंट को है ना सिल करके, वो भी सिल करके भी दिखाऊंगी। और इसकी मोरी है ना मैंने नॉर्मल नहीं बनाई है, जो जैसी चल रही है ना अब ऐसी बनाई है मैंने इसकी मोरी। तो इसकी मोरी मैंने है ना अब ऐसी चल रही है, प्लास्टिक वाली मोरी, और इस तरीके की सिल ली है मैंने, बहुत ही अच्छी लग रही है। पायल मैंने निकाल रखी है क्योंकि मेरे है ना ये यहाँ से काले काले हो गए बिल्कुल पायल लग लग के, और मतलब बहुत ही ख़राब हो जाते हैं पैर, यहाँ पे निशान हो जाते हैं पैर। तो अभी निकाल के रख दिया, और मोरी देखिए कितनी सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर लग रही है मोरी भी। और सारे कपड़े उतार कर रख दिया है, अब मुझे करना है ना साफ, और मेरे बच्चे मुझसे पहले करने लगे ना साफ। देखो सारे के सारे, नमन आ गया है आज क्योंकि नमन की तबीयत ख़राब हो रही थी, और ये है ना डॉक्टर के यहाँ से जा कर के अब यहाँ पे खेल कूद कर रहा है। मंजो दीदी भी आई थी, मंजो दीदी खाना पीना खा के चाय वाय पी के सो गई है।
तो अब बस मुझे नाक साफ़ करना है और बच्चे मुझे नहीं लग रहा नाक साफ़ करने देंगे। ये देखो किस तरीके से मेरा काम फैला रहे। अनिका भैया क्या नहीं मारते बेटा, गलत बात है। सारे बच्चों को मिसाइल दिखाई जा रही है अपनी कन्नू के द्वारा, और कभी वेदांश के बैट मार रही, कभी कन्नू के, कभी नमन के, सब के, मतलब सबके ऊपर हाथ फेर रही है छोटी सी बच्ची नटखट सी। ये देखो नमन आ रहा, जब से आ रहा ना जब से ये खेल कूद रहा, और हमें तो लग नहीं रहा है इसे बुखार है या कुछ प्रॉब्लम है। मान जा मान जा मान जा, ए नटखट बच्ची मान जा। ए पापा नू कह रही अगर अगर मारोगे मेरे तो पापा को बताऊंगी। ए ये देखो कितनी जोर जोर से मार रही है, और वो बैट है ना बहुत ही हल्का है, ये नहीं है कि यहाँ ज़्यादा भारी है बैट, बहुत ही हल्का। आ जा पहले आ जा, तुझे पकड़ा गए जिसे देखा हंस गए, जिसके देखे हंस गए। ये तो भाग लिया, एक तो भाग लिया बैट पीछे ही रह गया, और ये भी भाग लिया इसके पीछे पीछे। वेदांश वेदांश बेटा कम फट रहा, थोड़ा और फाड़ूंगी, आज अपन यहाँ नहीं हो। मिसाइल दो, वो छिपकी, वो छिपकी गेट के पीछे, नमन गेट के पीछे छिपकी वो। हाँ अच्छा, हाँ सारा काम निपटाने के बाद पसीने सुखाने के लिए बैठ गई, क्योंकि कपड़े है ना बिल्कुल गिल्ले हो गए, बाहर भी झाड़ू लगा दिया है और हाड़ा करके है ना रख दिया है अलग से। पूरा शोर शराबा कर रहे, पूरी चहल पहल कर रखी, जब से नमन आ रहा ना पूरा जी लग रहा कन्नू का, और जब है ना ये चला जाता है तो ये कहता है कन्नू मम्मी बहुत याद आ रही नमन की, तो कट्टे में हाड़ा करके वहाँ पे रख दिया और सारी जगह बहुत बढ़िया तरीके से झाड़ू लगा दी। इतना गंदा हो रहा था ना, बहुत ही गंदा, क्योंकि हाड़ा मैंने बरामदे में ही किया है, तो अब ये नाज शाम के टाइम रखा जाएगा और सुबह तक आ जाएगा। और मनज्योति दीदी ने भी कपड़े फैला दिए हैं, धो देते हैं ये सारे के सारे कपड़े। ये देखो यहाँ पे अंदर बरामदे में, क्योंकि बाहर बार 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 बूंदाबांदी हो रही है हल्की फुल्की सी, और ऐसे थोड़ा थोड़ा गिल्ला दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे सारी जगह बच्चों ने इस तरह फैला रखा था बहुत गंदे। तो मनज्योति दीदी आई है और उन्होंने आते ही फरमाइश किया है पकौड़ियों की, तो पकौड़ी बना रही हूँ उनके लिए, बच्चे भी खा लेंगे मैं भी खा लेंगी, और सब आराम से खा पी करके, और जो भी पकौड़ियाँ बचेगी उनकी बनेगी सब्जी, क्योंकि कोफ्ते है ये उनके पसंदीदा, बच्चे के लिए हेल्दी फूड भी है ये, और वैसे भी ना मन की तबियत खराब हो रही ना इसीलिए। देखो इधर अपनी भतीजी को खाना खिलाया जा रहा, पकौड़ियाँ खिलाई जा रही है और खुद भी खाई जा रही है। कर लो आगे सारे बच्चे आ जाओ भाई, बच्चे पकौड़िया बन गई, जल्दी आ जाओ। खा लो, खा ले नमन, खा ले रहा नमन। तो इनमें मैंने मिर्च नहीं डाल लिया बच्चों की वजह से, बहुत ही गुलगुली सी पकौड़ी उतार रही हूँ मैं। आए हैं मैंने कोफ्ते मंजो दीदी के कहने से, और रसगुल्ले लेकर के आए हैं कन्नू के ताऊ जी। कैसे लगे कोफ्ते? अच्छा चलो अच्छी बात है, मट्ठा है, मट्ठा मैंने भिगो दिया था, देसी घी निकाल दिया है, और मंजो दीदी ने सबने बैठ करके खाना खा लिया है, बस बर्तन साफ करने रह गए हैं। तो सबसे लेट है ना कन्नू के पापा ही आते हैं,